नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछु माधुरी प्रथमे हेडलाइंस सुप्रीम कोर्ट रे परी मामला सुनानी मामलार गुरुत्व को बुझिले रजिस्ट्रार एबे मुख्य बेंच रे हेबो सुनानी एप्रिल 19 रे मामलार परवर्ती सुनानी महाराष्ट्र गृहमंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा बॉम्बे हाईकोर्ट का सीबीआई तदंत निर्देश पर इस्तीफा चर्चा 100 कोटी चंदा आदाय मामलें छंती होती अनिल चिठी लिखे अभियोग करते पूर्वतन मुंबई सीपी दिन में जारी हो पारे कर्फ्यू संकेत देते स्वास्थ्य मंत्री नव दास सीमावर्ती जिले में कड़ाकड़ी जांच गंजाम में विवाह भोजी में अतिथि को खाद्य पैकेट राज्य में दैनिक संक्रमण 500 टपिला गत 24 घंटे 573 आक्रांत चिन्हट खोर्धार सर्वाधिक 96 पॉजिटिव आज 10 जिले में नाइट कर्फ्यू देश में गत 24 घंटे 1,3793 पॉजिटिव वर्षा अनुभव छाड़पत्र मामला कटक फैमिली कोर्ट में हाजर हेले स्टार दंपति दिल्ली पटियाला हाउस कोर्टर मामला को कटक स्थानांतर पर निर्देश देते सुप्रीम कोर्ट सुधरीबा बदलने बढ़ुची दुर्नीति सीएच रिपोर्ट को नहीं राज्य सरकार को टार्गेट कला बीजेपी ओडिशा रे प्राकृतिक संपद और संपत्ति को लूट करा जाउथिबा अभियोग झीओ जोकाइले रहिबो चाकरी आर्मोट कमांडेंट डीसीपी विजय कुमार साहू को नारे संगीन अभियोग निर्यातन अतिष्ट हो जड़े सिपाही आत्महत्या उद्यम झीओ जोगाइबा को बाध्य करुथिले डीसीपी जाणा फांडी परिसर महिला कंकाल उद्धार मामला स्थानीय अंचल गीता बायणी को नहीं चर्चा जोर परिचय को नहीं सुराग पाई पुलिस एपटे घटन हस्तक्षेप कले जातीय मानविक अधिकार कमिशन सीमा विवाद को नहीं राजनैतिक बयानबाजी बीजेपी को दोष देले श्रममंत्री सुशांत सिंह मंत्री बयान को समालोचना कला कांग्रेस सेपटे राज्यपाल को भेटी विवाद समाधान दावी कले बरगड़ सांसद सुरेश पुजारी नक्सलवाद में पड़ पुनच्छेद व्यर्थ जीवनी शहीद का बलिदान शहीद जवान को श्रद्धांजलि ज्ञापन कले केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह नक्सल सेना गुड़ विनिमय 22 वीर जवान को हर देश मृतक को जीवित कराइबा को राति सारा पूजा पाठ नयगढ़ शरणकूल अंचल अंधविश्वास दुई दिन तले अंशघात आखि बुझिते रवि नाहक पोस्टमार्टम पर गरा पा ढाई सबक बचाइबा प्रयास आसिया संपूर्ण खबर को महाराष्ट्र गृहमंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निजर इस्तीफा पत्र पठाई अनिल देशमुख एने एनसीपी वरिष्ठ नेता नवाज मल्लिक स्पष्ट सूचना देते मुंबई पूर्वतन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह चिठी लिखि अनिल देशमुख उपर मासिक 100 कोटी टंकार बट्टी आदाय करुवा अभियोग बिवाद को आसीथिले अनिल देशमुख सोमवार बॉम्बे हाईकोर्ट अनिल देशमुख विरोध में सीबीआई जांच पाई मंजूरी देते यापर देशमुख निज पदर इस्तीफा देता चर्चा होल्लेख्य मामलें परमवीर सिंह हाईकोर्ट द्वारस्थ होते मामलें सीबीआई जांच निर्देश देते हाईकोर्ट आसंता 15 दिन भितर सीबीआई को प्राथमिक रिपोर्ट देवाक पड़े अनिल देशमुख विरोध में एफआईआर हो कि नहीं ता स्पष्ट हो 15 दिन में अपना कंक्लूजन निकाले और कंक्लूजन के बेस पे सीबीआई डायरेक्टर विल टेक अ डिसीजन वेदर एफआईआर शुड बी रजिस्टर्ड और नॉट ये सम एंड सब्सटेंस है बाकी जो डिटेल बातें अभी ऑर्डर जब अपलोड होगी तो मैं आपको दे पाऊंगा सर मेंटेनिटी का लेकर के सवाल खड़ा किया गया था रणबीर सिंह की भी आपकी भी जयसी पाटिल की भी मेंटेनिटी के इशू पे अलग अलग पिटीशंस को डील किया हाईकोर्ट ने क्या कहा है देखिए उस पर पूरा जजमेंट मुझे नहीं मिला है लेकिन प्राइमा भाई जब मेंटेनिटी पे अगर कोर्ट को ऑब्जेक्शन होता तो कोर्ट ये ऑर्डर ही नहीं करता मेंटेनिटी का बड़ा इशू नहीं था कोर्ट ने ऑलरेडी हमारी प्रेयर ये पार्टली अलाउड कर दिया तो अब इसके बाद से सीबीआई को किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी कोर्ट को रिपोर्ट देनी है कि नहीं देनी है उन सारी चीज़ों पर थोड़ी और हमें और क्लेरिफिकेशन दीजिए क्या होना है नहीं नहीं अभी सीबीआई को कोर्ट को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है सीबीआई खुद अपना एफआईआर सीबीआई को लगता है कॉग्निजिबल ऑफेंस है सीबीआई एफआईआर रजिस्टर करे मुझे ये कहना है अनिल देशमुख अगर तुम होम मिनिस्टर हो अगर तुम्हारे अंडर ये महाराष्ट्र के स्टेट पुलिस है तो आप ये इंक्वायरी प्रॉपर नहीं करने देंगे ऐसा कोर्ट का व्यू था और कोर्ट ने इसीलिए इसमें सीबीआई को कहा है डायरेक्टली कि आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करें और इसमें मुझे बुलाए और मुझे ये भी कहना है कि अगर अनिल देशमुख आप पावरफुल मराठा लीडर हो और शरद पवार जो कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर है उनका आपको ब्लेसिंग है
फिर भी आप कानून से ज्यादा नहीं हो, आप संविधान से ज्यादा नहीं हो। आपने भला ही मेरा नाम पुलिस डायरी में नहीं आने दिया, जो कि उच्च न्यायालय में माननीय चीफ जस्टिस ने कहा है कि इनका नाम पुलिस डायरी में क्यों नहीं, ये प्रेशर टेक्निक है यूज्ड बाय शरद पवार अनिल देशमुख। तो मुझे ये कहना है आप इस देश के कानून के से अभाव नहीं है, कानून से ज्यादा नहीं है। आपने ये कहा है कि डायरेक्टर जनरल जो सीबीआई के है वो इंक्वायरी करे, इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और मुझे बुलाए, मुझे इन्फॉर्म करे, और इसमें इफ नेसेसरी कॉग्निजेबल ऑफेंस तो एफआईआर रजिस्टर करे। जो एफआईआर की थी उसी पर ही कोर्ट ने कहा, इसी पर ही कहा, सिर्फ मेरा ही मैटर इंटरटेन हुआ, मेरा ही मैटर मेंटेनेबल हुआ, और बाकी सारे पीआईएल और माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिए हैं, इंक्लूडिंग परमवीर सिंह पीआईएल की मेंटेनेबिलिटी पे सवाल खड़ा किया था। कोर्ट ने क्या कहते हुए उसको खारिज किया है, मेंटेनेबिलिटी के साथ सवाल खड़ा किया गया था। कोर्ट ने मेरी बहुत तारीफ की, ओपन कोर्ट में माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोई तो एक ब्रेव है जो सामने आई है इतने बड़े ऑफेंस में, 100 करोड़ का जो मंथली करप्शन के जरिए अनिल देशमुख पैसा जमा कर रहे थे खंडनी के जरिए, इसके खिलाफ एक तो ब्रेव है जो सामने आया है और ऑफेंस रजिस्टर किया है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये मुगलाई नहीं मिस्टर अनिल देशमुख, यह मुगली कानून नहीं चलता है, यह तुम्हारा राज नहीं, यह संविधान का राज है। यह तुम ऐसे करप्शन के जरिए बिजनेसमैन को थ्रेट नहीं दे सकते हो, कॉमन पीपल्स को थ्रेट नहीं दे सकते हो। मैं भारत माता की बेटी, मैं एक स्वतंत्र सैनिक की बेटी आपके खिलाफ खड़ी हूँ। आप कितना भी थ्रेट करेंगे, आप चाहे मेरी जान ले ले, मैं इसकी ये लड़ाई आगे लड़ूंगी। आसे परवर्ती खबर को, सुप्रीम कोर्ट रे परी मामलार सुनाणी, परी माँ सौदामिनी साहू द्वारा दाखल होता रिट पिटिशन शुणी हो, रजिस्ट्रार राजेश कुमार गोयल खंडपीठ से मामलार शुणी हो। मामलार गुरुत्व को बुझिंट रजिस्ट्रार एवं मुख्य बेंच रे हेब मामलार शुणी, एप्रिल 19 रे मामलार शुणी हो जमापड़े। परी माँ वकिल स्वस्तिक दलाई यह सूचना देते, पूर्व मामलार शुणी समय राज्य सरकार को काउंटर आफिडेविट दाखल करने को 4 सप्ताह समय देते सर्वोच्च कोर्ट। गत वर्ष जुलाई मसने परी को अपहरण पर हत्या करफिजोग राज्य पुलिस एवं एसआईटी तदंतर असंतुष्ट हो सीबीआई तदंत दावी करते परीरमा। एने अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़े रही हम दिल्ली प्रतिनिधि गगन विशाल। गगन, ये हूँ चर्चा आज नुहे, ये चर्चा दीर्घ दिन धरी आसी किभली परी को न्याय मिल, सबुठ जोरदार प्रतिवाद आंदोलन ये सबू चली, सबू भितर सुप्रीम कोर्ट रे परी मामलार शुणी हो जहाँ आभास आसी पहुँचुची, अधिक अपडेट कौन आसूँ? हेलो, परी माँ सौदामिनी साहू द्वारा दाखल होता रिट पिटिशन शुणी हो सुप्रीम कोर्ट रे परी मामलार शुणी हो, अर्थात रजिस्ट्रार राजेश कुमार गोयल खंडपीठ से यह मामलार शुणी हो। मामला को गुरुत्व बुझिंट रजिस्ट्रार एवं मुख्य बेंच रे मामलार शुणी हो। पुणि थर आम सहित जोड़े रही प्रतिनिधि गगन विश्वाल। गगन, जाने को चाहबू ये हूँ चर्चा दीर्घ दिन धरी आसी, अर्थात किभली परी को न्याय मिल से सबुरी महल में चर्चा जोरदार धरी आंदोलन प्रतिवाद ये सब भितर सुप्रीम कोर्ट रे परी माँ से किभली सीबीआई तदंत दाबी करुले, वर्तमान समय सुप्रीम कोर्ट रे परी मामलार शुणी हो, अधिक कौन अपडेट आसुचे? देखु निश्चित भाव गोटे दुखर कथा मुझे रखा चाहे, जितेबाला सौदामिनी साहू रिट पिटिशन दाखल करे से प्रथम हियरिंग होता है, उभय सीबीआई और राज्य सरकार को 4 सप्ताह मध्य निजर काउंटर आफिडेविट दाखल करने कहला, जोटा कि किदिन पूर्व गोटे सप्ताह पूर्व राज्य सरकार काउंटर आफिडेविट दाखल कर राज्य क्राइमब्रांच थ्रु रेतने सीधासख से उल्लेख करते आम पूरा जांच सारी सारी हाइकोर्ट में ये नहीं आम तथ्य दाखल कर सारी, हाइकोर्ट कौटना कौट सन्तुष्टि व्यक्त करते कि कथ हो जितेबाला जड़े न्यायिक परंपरा उपर न्यायिक व्यवस्था उपर जो प्रश्नवाची तैयारी कै जो अभियुक्त को लेकिन पीड़ित परिवार जो संतुष्टि होते पीड़ित परिवार चाहूंत सीबीआई इनक्वारी करने से राज्य सरकार कौटी रही जा असुविधा कौट रोचे ता बुझा बर्तमान कौटिना कौटी साधारण साधारण लोक साधारण बुझा कष्टर होती ना, जिते पीड़ित परिवार चाहूँ सीबीआई इनक्वारी जो पीड़ित परिवार इनक्वारी संतुष्टि नाते राज्य सरकार एथिरे सहमत
अनुमति न देकि उल्टा काहीं विरोध करछन्ती कहार स्वार्थ रहुछि सीधा सड़क जो मंत्री कथा कहतु लोकाल नेता ना से उल्लेख करछन्ती निज रिट पिटिशन रे हुए तो सुरक्षा देवाई राज्य सरकार एभली स्टेप नहीं ने कि जो रही परीर वकिल से तथ्य रखिते एविडेन्स रखते जहाँ फल राज्य सरकार जो काउंटर आफिड दाखल करते से काउंटर आफिडेविट्र आज कौन प्रभाव पड़ना ही मुझे कहबी कहीं हूँ तो जो भाई ढंग से काउंटर आफिडेविट को दाखल कराई से पूरा डेट व्वज उल्लेख कराई चौरानवे पृष्ठार जो एविडेन्स से दाखल करते से स्पष्ट भाव उल्लेख करते एस आई टी जांच किभ भाव आम इनक्वारी कर सारी अनेक गुड़े तथ्य से उल्लेख करते सी सब सत्वे बर्तमान मेन बेच को मेटर टी जा मेन बेच रे हियरिंग हवा और मेन बेच डेट गोटे प्रकार स्थिरीकृत होप्रिल उन्नीस तारीख ता अर्डर सीट आसला जजमेंट कपी आम हस्तगत होगापर आ कि समय पर जजमेंट कपी आसी हूँ तो से चित्र आहरी स्पष्ट हो डेट उन्नीस तारीख रोचे ना आउ डेट अगर किसी डेट को घुंची परवर्त पर्यायर से चित्र स्पष्ट हो कितु कथ हो जितने मुख्य बेच को जीव मेटर टी तेज निश्चित भाव से सुजोग रोह उभय सीबीआई को कहतु जेहतु सीबीआई गोटे पक्ष रही तेणु सीबीआई केस नाप चाहूँ कि ना सीबीआई पाखे समय रही कि नहीं जो भी भाव चाइल्ड ट्राफिकिंग कथ उल्लेख करते परीर वकिल सीधा सड़क से गोटे छोट पिलार इश्यू नुहे राज्य में एभली अनेक छोट पिला रही जो अंग तस्करी होेणु जदि मुख्य बेच में मेटर टी होयरिंग हम तेणु निश्चित भाव आगे को अधिक तथ्य बर्तमान राज्य सरकार को मानव बेच मागि पारती और राज्य सरकार कि ढंग से देखते बड़ कथ हूँ जो छोट पिलागुड़ी अनेक संख्यार राज्य हजि जाइंटी से तथ्य परी को वकिल रखुं तेणु नहीं राज्य सरकार कौन स्टेप नहीं ये गोटे बड़ हरड़ घड़े पड़ी पारती आगामी दिन में भली अनेक केवल ये गोटे शिशु नुहे भली अनेक जन शिशु रही राज्य में जो मान आज भी पत्ता मिलूना तो अंग तस्करी कथा सामना को आसूँ ए सब भितर जितेबले कि मामलार मुख्य बेच रे शुणी हो तो कौटना कौट राज्य सरकार को ऊपर चाप पड़ पारे कहीं ए मंत्री ना आसूला नेता मैंने जो रही नाम आसूला तो मोटामोटी पर आम जो कहीपर जे एप्रिल उन्नीस मामलार परवर्त शुणी हो परवर्त समय स्पष्ट हो पार जो मामला कौ दिगक जाऊँ बहुत बहुत धन्यवाद गगन आपण तमाम सूचना आसिया परवर्ती खबर को दिन में जारी हो पारे कर्फ्यू राज्य में कोविड स्थिति नहीं स्वास्थ्य मंत्री नव दास प्रतिक्रिया सीमावर्ती अंचल में आम पर्यवेक्षक गस्त कर अंचल को स्थिति अनुधान करते तेज टेस्टिंग केमी बढ़े गुरुत्व दि जाए स्कूल एयरपोर्ट रेल स्टेशन रे कोरोना आक्रांत चिन्हट होती आमको अधिक गुरुत्व देवाक पड़े जिलापा निर्देश दि जाए दरकार पड़े रात्रि कर्फ्यू सरकार अनुमति लोड़ी पारे और रिपोर्ट पठाई पारे कोरोना स्थिति आपण जानते दृढ़ गति में बढ़िवार लगी सारा देश में आमको टी सावधान रहा पड़ो प्रिकसन ने पड़ो समस्त परिस्थिति को तीक्षण दृष्टि रखा पड़ो आज शुणु जो भी आवश्यक होती आम नाइट कर्फ्यू कर सारी जो भी हम करदी किसी आसे से भी पिस्थित ताल सरकार बाध्य हे ना किसी कर दरकार नहीं देश में नुहे बढ़ुची तेणु आम तीक्षण दृष्टि रखीचु एवं मोर जहाँ दृढ़ विश्वास जदि कोविड रूल को समस्ते जहाँ माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अनुरोध करसी को मास्क पिंधतु सानिटाइजेसन करूँ एवं जनगहली जगह जातु ना पड़ोसी राज्य में जब बिना काम ना तो गस्त करूँ ना सब कोविड रूल लेकिन जनसाधारण चलिए निश्चित भाव में कोरोना नियंत्रण हो पारे से कथा अलरेडी निर्देश दि जाए जरूरी युद्धकालीन भितर समस्ते प्रिकॉशन मेजर नबे कोविड हॉस्पिटल खोलिबकि आसु परिस्थिति आसु सरकार निष्पत्ति ने समस्त को कहा जाय छी तीक्ष्ण दृष्टि रखिया पई एवं प्राइवेट हॉस्पिटल मान को मध्य निर्देश दिया जाय छी जेमिति जो परिस्थिति आसीबा सरकार ताकु तुरंत पदक्षेप लेबे पश्चिम ओडिसा रे यातायात होछि जो आछंती छत्तीसगढ़ हेरा सील हबो कि मध्य प्रदेश आगे सुनतु सील ए पर्यंत करिवार कोनसी सील हेई नाही केवल जहाँ आम ऑब्जर्वर माने जाइथिले समस्त जनसाधारण को अनुरोध करछंती जरूरी कारण हले पड़ोसी राज्य को गस्त करंतु नाही ब्रह्मपुर आहुरी कठोर हेला कोविड कटकणा संक्रमण बढ़ुतिबारु एहाकु दृष्टि रे रखि नियम आहुरी कडाकडी करछंती जिलापाल एणिकि ब्रह्मपुर विवाह भोजी रे 100 जन को अनुमति थिबा बळे अतिथि को खाद्य पैकेट प्रदान करा जिवो राज्य में कोरोना ग्राफ ऊपर मुहा दिनक 500 पार है संक्रमण गत 24 घंटे 573 पॉजिटिव बाहरी
खोर्धारु सर्वाधिक 96 आक्रांत चिन्हट होती सेपरी सुंदरगढ़ 80 नुआपड़ारु 60 बरगड़ 43 कटक्रु 28 अनुगुल 32 पॉजिटिव चिन्हट होती लेउटाणी लहरी को नहीं बढ़ुचे टेनसन विशेषकर सीमांत जिलागुड़िक बढ़ुचे संक्रमण छत्तीसगढ़ एवं हटस्पट पलटि बेले एठार आसुवा लोकों टेस्टिंग और ट्रेसींग सीमावर्ती जिले में संक्रमण बढ़ुवर राज्य सरकार संपूर्ण आलर्ट अच्छा आवश्यक अनुजाई पदक्षेप ने जिलापा निर्देश दीजिए जो सीमांतवर्ती जिलागुड़िक संक्रमण बढ़ुची से टीकाकरण को त्वरान्वित करने को सीडीएमओ एवं जिलापा कहु सेठिकार वनरेबल ग्रुप को अधिक फोकस करने निर्देश दीजिए अंपटे राज्य में टीकाकरण जारी रही वर्तमान सुधा 33,04,732 जन को टीका दि जाए आम भैक्सीनेसन 45 वर्ष रु अधिक नागरिक मान चालू रही वर्तमान गत काली आम 1,67,034 जन को टीका देलु सो आज पर्यंत आमर मोट टीकाकरण संख्या होती 33,04,732 तेणु आमर जो धार्य रही 1,16,00,000 लोक टीका देवाई आमर प्रतिदिन टार्गेट रही 2,00,000 टीकाकरण करने कि वर्तमान आम पाखे टीकार परिमाण किसीटा कम अच्छी आम केन्द्र सरकार को चिठी लिखु एवं से भी आम सेक्रेटरी एंड एम डी कथबार्ता करें निकटे तार व्यवस्था करमती टीका ओडिशा पहुँच आमर वर्तमान कोविशील्ड टीका जोटा बेसी दरकार से पाखे वर्तमान 6,00,000 टीका महजूद अच्छे जोटा कि मात्र आउ 2 दिन आम सफिसीयंट हम तापर तार अभाव हम तेनालीरु आमको टीका जोगे देवाई आम केन्द्र सरकार को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को आम चिठी लिखीचु कोवैक्सीन आम पाखे प्रचुर परिमाण अच्छी से किसी असुविधा नहीं जेहेतु आम कोवैक्सीन केवल भुवनेश्वर से दौचु आम पाखे आहरी 148,000 डोज महजूद अच्छी किसी असुविधा ना से जो जिलागुड़ाक पॉजिटिविटी बढ़ी से जिलागुड़ाकूर आमर निर्देश रही जिते शीघ्र संभव से मानकर टीकाकरण करने तेणु से बर्तमान टीकाकरण आम वृद्धिप्राप्त होमर जमी पर दिन आम टार्गेट था 2,00,000 अधिका टीकाकरण होता 2,71,000 टीकाकरण होता तेणु सेड़ाक बर्तमान बहुत शीघ्र जमी टीकाकरण सारे से विभिन्न प्रकार चेष्टा अवलंबन करके ताकू शीघ्र करहब करुछन्ति पुलिस विभाग रे युवती शोषण अभियोग तलिया कर्मचारी को झील जगैवा को बाध्य करुछन्ति वरिष्ठ अधिकारी झील जगैब तो चाकरी रहिबो झील न जगैले ट्रांसफर हेब एथिरे अतिष्ठ होय सिपाही निहार रंजन नायक आत्महत्या उद्यम करिछन्ति एभली संगीन अभियोग आसी आर्मर्ड कमांडेंट डीसीपी विजय कुमार साहू को नारे अभियोग आनी सिपाही निहार को पत्नी झील जगैवाई स्वामी को बाध्य करा से न मानिबारु तांको ट्रांसफर करने चाकरी बाहर करने धमक देउथिले तीन दिन तले फिनाइल पी आत्महत्या उद्यम कर निहार घरे हस्पिटाल रही सेबे निहार का पत्नी पुओ भौणी एवं तांको मां एने कमिशनर को भेटिछंती घटनार तदंत कर कार्यानुष्ठान दावी करिछि परिवार सेठाकर डीसीपी कमांडेंट तांको नारे एलिगेशन दबाय अभिजोग करिया पे से मो स्वामी के स्ट्रक्चर करुचंती आज मो स्वामी हॉस्पिटल रे पडिचंती हुए तो तांकर कोन हे परे की दाई हबो मो संसार पे कोन डीसीपी विजय कुमार साहू दाई हेबे कमांडेंट सर दाई हेबे असि कोन पे ट्रक्चर करचंती कोन स्ट्रक्चर करचंती सेठार सेठा के चार्जर जेतु मो स्वामी अछंती सेठी की मो भलिया मो स्वामी को भलिया फैमिली वेलफेयर सेंटर 7th बटालियन ओ 7th बटालियन सेठी जेहेतु वेलफेयर चार्जर मो स्वामी अछंती सेठी की मो स्वामी को भलिया एमती सिपाही आउ हबिलदार भाई मान स्त्री आउ झी मैंने भी आसती शिखापी हस्तशिल्प एमती मेसिन जो भी पड़ी शिखापी आसती तेणु डीसीपी विजय कुमार साहूंर आक्रोश मन खराब मनोभाव अच्छी सी मो स्वामी की कहले स्वामी के आर देखे जेहेतु मो स्वामी जड़े कनेस्टेबल मैं तलिया कर्मचारी आम जेहेतु सी जहाँ एत बड़ अफिसर तर तो पावर थी कि मो स्वामी डरले सी चाहूल्ले से झीओ मानक पठेबापी मो स्वामी थ्रो से जो फैमिली वेलफेयर सेंटर को जो झीओ मैंने स्त्री मैंने शिखापी आसतशिल्प तो जेहेतु मो स्वामी जो तलिया कर्मचारी से नीरव रही नीरव रही आक्रोश मनोभाव अच्छी
ତେଣୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିପାରିଲେନି ଏମିତି ଥରେ ଦୁଇ ଥର ବି ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହଁ ଏମିତି ବଙ୍ଗଳା ବୁଲାଇବା ପାଇଁ କହିକି ନେଇ ଆସିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ସେ ସେୟାକୁ ଆଧାର କରି କାହିଁକି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ପାରିଲେନି ତାର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ପୋଲିସ ଆଣିଛି ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇଥିବା ବିଜୟ ସାହୁ କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସାର୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ଯେ ଆପଣ ଝିଅ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ରାଜି ହେଲାନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆପଣ ଏ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିଲା ଯିଏ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା 3 ବର୍ଷରେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସେ ଚେଞ୍ଜରୁ ସିଏ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ପୁଅ ପୁରା ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫେରା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମାନସିକ କି ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ସିଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିନି କି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେ କିଛି କରିନି ତା ଫ୍ୟାମିଲିକି ସେ କ'ଣ କହିପାରିଥାଏ କେବଳ ସେ ଯେଉଁ ସେ ବଦଳିକି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ସାର୍ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ତାହେଲେ ଅଫିସରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ପଠାଇବାର ଇଏ କାରଣ ପଛରେ କହୁଛି ଆପଣ ଧମକେଇଲେ ସିଏ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଖୋଜୁଛି ସେ ମାଧ୍ୟମ ଖୋଜିକରି ଏ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛି ଟେଲରିଂ ଶିଖିବାକୁ ଆସୁଥିବା ମହିଳା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବଙ୍ଗଳା ବୁଲିବାକୁ ଥିଲେ ସତ୍ୟତା କରିବାକୁ କିଛି ଚାହିଁବ ତ ତେଣୁ ଏମିତି କରି ସେ ଗୋଟେ କରିଛି କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମର କିଛି ଅବଗତ ନାହିଁ ଏ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଯାହା କହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଜଣେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ତଦନ୍ତ କେମିତି ଗ୍ରହଣ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଇଏ ଥିଲା ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଏବଂ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଫିସର ଯୌନ ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗ ନାଁ ରହିଛି ତଦନ୍ତ କରିବା ଫଳରେ କିଛି ଘଟଣା ହେଉଥିଲା ନା ଏଠି କେବଳ ବଦଳି ପଛରେ ଏ ଆକ୍ରୋଶ ଏହା ହିଁ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଷ୍ଟାର ଦମ୍ପତି ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ଷ୍ଟାର ଦମ୍ପତି କଟକର ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ଆଜି ଶୁଣାଣି ତାରିଖ ଥିବାବେଳେ ଉଭୟ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ କଟକ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାକୁ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ଦିଲ୍ଲୀ ପଟିୱାଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ତେବେ ମାମଲାକୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବର୍ଷା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେସ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ପୁରୀ ପିପିଲିରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ପୁରୀ ପିପିଲି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟସ୍ଥ ତାରାକାଜଠାରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପଲ୍ସର ବାଇକ୍କୁ ଚେକିଂ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ବାଇକ୍ରେ ଥିବା 2 ଜଣ ଆରୋହୀଙ୍କଠାରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ଡିପିଓ ଆଠଗଡ଼ର ଏନ୍ଏସି ଅଧିକାରୀ ସରକାରୀରେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜେଡିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭବନରେ କରିବା ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ଏନ୍ଏସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ସରକାରୀ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ ଅଭୟ ବାରିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଲୋକେ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବା ପରେ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଠଗଡ଼ ଏନ୍ଏସିର ଠିକଣା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଭବନ ସୂର୍ଯ୍ୟଭବନ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଏବେକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାସଭବନରେ
ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟା ହୋଇଛି ଅନିୟମିତ ଭାବରେ, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସବ୍କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସବ୍କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍, ଶୋକଜ ନୋଟିସ୍ ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏନ୍ଏସିର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେଠି ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟା ବୋଲି, ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ମିଛରେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ସେଠି ଗଲା ପରେ ବାଧ୍ୟ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟା ହୋଇଛି ବୋଲି ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ରାଜାବାବୁ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଜ ବାସଭବନ ରହୁଛି, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମକୁ ବାଟମାରଣା, ନିଜେ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମକୁ ନିଜେ ବାଟମାରଣା କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଅନିୟମିତ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି ଯେହେତୁ ଏନ୍ଏସି ବାହାରେ ସେମାନେ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଏନ୍ଏସି ଅଫିସର ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଏସି ବାହାରେ ସେମାନେ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନେ ବଣ୍ଟନ କଲେ କ'ଣ କଲେ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ। ଇନକ୍ୱାରି ସରିଲା ପରେ ଯାହା କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି ଇନକ୍ୱାରି ସରିଲା ପରେ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ ଯାହା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ତା'ପରେ ନାଇଁ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାଯିବ ସେଠି ବଣ୍ଟାଯିବ, ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଏନ୍ଏସିରେ ଭତ୍ତା ହେଉଛି ଏନ୍ଏସି ଭିତରେ ବଣ୍ଟାଯିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ଧରା ଯେଉଁ କୌଣସି ସ୍କୁଲ୍ରେ ବି ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ବଣ୍ଟାଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ କନ୍ଭେନିଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିବେ ଯେଉଁଠିକି, ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରିବ, କିମ୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଦିଆଯାଇପାରିବ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରା କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା। ଝିଅ ମୁଣ୍ଡର ବେକରେ ଏବଂ ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବା ବାପା କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ସାରୁଗାର ନାବାଳିକା କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବନ୍ଧ ନୂଆଗାଁର ଯୁବକ ଜିତୁ ନାୟକ ନାବାଳିକାକୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ, ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଦୁଇ ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖଇରା ଥାନାରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେହରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ଥାନା ଓଲରା ଗ୍ରାମର ମାଳତୀ ମଣ୍ଡଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାତି ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାତି ମାଳତୀ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ନାତି ଜଣକ ମାଳତୀ ମଣ୍ଡଳକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ମାଳତୀ ମଣ୍ଡଳ ଏରସମା ଥାନାରେ ନ୍ୟାୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିପାରୁ ଆଜି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ କିରୋସିନ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ମୋର କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ମୋର ସମସ୍ତ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୋର ନାତି ଚୁକା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ତାକୁ ବି ମୋତେ ଶିଖେଇକି କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ମାର ଧର କରି ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଟି ପିଟି ମୋତେ କହିଲା ଇଏ ଜାଗା ମୋର, ତୁ ପଳା। ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ମଦ ପଦ ଖାଇ ଆସି ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା କରିକି ମୋତେ ବାଡ଼ଉଛି, କହୁଛି ଇଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ତୁ ପଳେଇଯା, ଯଦି ଇଏ ଜାଗା ରହିବୁ ମୁଁ ମାରି ମାରିକି ତୋତେ ମାରିଦେବି ପୁରା। ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଝିଆସିଲି ମୁଁ ତ ପୋଡ଼ିକି ମରିଯିବି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗ ପହଣ୍ଟି ସବ୍ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା। ଅଫିସ ଭିତରେ ସାନ କମ୍ୟୁନିଟି ବ୍ଲକ ପୋଡ଼ାମାରିର ଦୁଇ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ସୂଚନା। ଉଭୟ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଦିଗ ପହଣ୍ଟି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦିଗ ପହଣ୍ଟି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜମି କିଣା ବିକାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଗୁରୁତରମାନେ ହେଲେ ଏମ୍ ନାରାୟଣ ରାଓ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।